आप सभी का मंगलो नमस्कार। रीमैरिज के दौरान, रीमैरिज के तहत में दूसरा पार्ट है। पहले मैंने पति के लिए बनाया था, अब पत्नी के लिए है। देखिए, मैं सभी रीमैरिज वाली पत्नियों से ये कहूँगा कि आपकी दोबारा शादी हुई है, अगर आपके पास बच्चे हैं या उसके पास बच्चे हैं, या आपके पास नहीं है केवल उसके पास है, छोटे हैं थोड़े 5-6 साल 7 साल के हैं, या थोड़े और बड़े हैं किशोरावस्था के हैं, तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। बाल मनोविज्ञान की किताब ला के पढ़ लीजिए, चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, पढ़ लीजिए कि आपको बच्चों का बाल मनोविज्ञान सबसे पहले मालूम होना चाहिए, नहीं तो उसके लिए आपको पूरी जतन करना चाहिए। अव्वल तो आप सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहते हैं उसी हिसाब से अगर आप चलेंगे तब जाके आप कुछ ना कुछ निजात पाएंगे। ये बात देखो, एक बात माननी पड़ेगी, परिवार में क्या रहता है, आपके प्रति थोड़ा सा दिमाग लगा के चलेंगे, कैसे मेरे बच्चे को देख रही है, लुक आफ्टर कर रही है, चाहे उसके पास लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे कैसा व्यवहार करती है, कैसा उसके साथ बातचीत करती है, इसके समझाने का तरीका कैसा है, कितनी बार डांटती है, कितनी बार पुचकारती है, मतलब वगैरह वगैरह, खाने के लिए किस ढंग से देती है, सही ढंग से दे रही है, न्यूट्रिशन वाले दे रही है कि नहीं आइटम, या कुछ वगैरह जो भी कुछ हो, उसकी उसकी इच्छाओं की पूर्ति किस ढंग से करती है, कितने लेवल तक करती है, कितना करती है, उसके लिए दिल खोल के चलती है कि नहीं चलती है, ये सारी बातें आप पहले से अपने अपने मानस में सेट करके चलिए। और अगर वो बच्चा छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा चतुर, कई बच्चे होते हैं बड़े बातों घुमा घुमा के बोलेंगे, एक्टिंग कर करके बोलेंगे, बात की इधर उधर करने वाले होते हैं, तो उस जगह तो आपको कतई कान खड़े करके चलने चाहिए, दिल और दिमाग कान सब आंखना खुले, सारी इंद्रियां खुली करके चले, क्योंकि ऐसे बच्चे कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं कि जहाँ पे कि सामने वाले के मन में आपके प्रति कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आई जाए। इसलिए बहुत ही सूझबूझ का इसके अंदर प्रयोग करना चाहिए, और उस बच्चे को अपने हक में करने के लिए भरपूर प्रयास करें। फिर भी ना, थोड़ा थोड़ा अपने पति को बीच बीच में अवगत भी कराते रहे, मैंने इसको ऐसा कहा था, इसके अंदर ये हैबिट से, या इसको इस तरह से मैंने टोका या रोका या जो भी कुछ इसको समझाया, ताकि पति के पास भी बराबर उसी खबर रहे। और अगर आपको लगता है पति को तो मैं बताती हूँ सारी बात, पति मेरी सारी बात समझता, पति मुझे कुछ नहीं कहता, बल्कि कुछ ना कुछ बच्चे में कमी तो उसी को बोल देता है, लेकिन वो बच्चा अपने दादा दादी को जाके कुछ ना कुछ बोलता है, बुआ को, ताऊ को, ताई को, जो भी परिवार के और अन्य सदस्य को, तो उसमें जो प्रमुख है उनको ही बताए रखो। आमतौर पर घरों में सास होती है या और भी कोई है जो प्रमुख व्यक्ति है जिसकी थोड़ा अच्छी चलती है, उसको बीच में बताए चलो कि देखो जी इसने ये वाली चीज की थी, मैंने ऐसे कहा, बताए चलो, ताकि कल को वो बच्चा दोबारा उस बात को कुछ करता है या कुछ करता, उसी समय उसको डपटा जा सके। देखिए, दूसरी बार शादी होने में और बच्चा उसके पास है उसको पालने में आपको बड़ा भारी त्याग की जरूरत है, बड़ा भारी सूझबूझ की जरूरत है, इस बात पे गौर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक पति को खुश नहीं करना है, आपको पूरे परिवार को इस लेके चलना है कि सबकी निगाहें आप पर उस, और पति समेत सबकी निगाहें आप पर इस बात को लेके कि आप उसके बच्चे का लालन पालन कैसे कर रही हैं। फिर सेकंड परिवार वालों के दिमाग में आता है कि उसके उसके बेटे के साथ व्यवहार कैसा कर रही हैं, भाई बेटा कुछ भी बोलिया, बस यही चीज है, खेल सूझबूझ का है। इसीलिए निराश मत होना, किसी प्रकार से उत्कुटाहट में मत आना, आवेशित मत होना, इस बात पे गौर कर लीजिए। कोई नहीं, प्रकृति ने एक एग्जाम पहले लिया, आपका किसी कारणवश विवाह वो छूट गया, चाहे आप विधवा हो गई, चाहे आप डाइवोर्स हो गया, कोई भी कारण बनाओ, अब दूसरा एग्जाम मेन एग्जाम, वो प्रिलिमिनरी था, अभी मेन है, तो इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक चलिए, भगवान पे आस्था रखिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान का स्मरण करना मत भूलिए, लगातार मानसिक जप करना, उससे ही आपकी सारी की सारी समस्या धीरे धीरे हल होती चलेंगी। कहीं पर भी अगर आपको कोई भी मानसिक संताप मिलना भी होगा, वो थोड़ा सा ही मिलके रह जाएगा या नहीं मिलेगा। मंगल कामना, नमस्कार।